नमस्कार दोस्तों, मैं करण आज फिर निकल चुका हूँ एक नई यात्रा पर। मैं रहता हूँ उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में, जिसे कुमाऊं द्वार भी कहा जाता है। हल्दू के पेड़ काफी ज्यादा होने के कारण इस शहर का नाम हल्द्वानी रखा गया। देहरादून के बाद यह उत्तराखंड का दूसरा बड़ा शहर है। ये है हल्द्वानी का रेलवे स्टेशन, जिसकी स्थापना अंग्रेजों ने सन 1883 में कराई और यहाँ पहली बार रेलगाड़ी अप्रैल 1884 में, बाद में इस रेल मार्ग को बढ़ाकर काठगोदाम तक कर दिया गया, जो कि अभी उत्तराखंड का अंतिम रेलवे स्टेशन है। अपनी 7 घंटे की रेल यात्रा पूरी करने के बाद मैं वहाँ पहुँचा पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, जिसे चांदनी चौक भी बोला जाता है। और अपनी आगे की यात्रा के लिए मैं निकल पड़ा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की। दिल्ली रेलवे स्टेशन भारत के व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में से एक है। सुबह की थकान के कारण मैं ट्रेन में जाते ही सो गया और अगले दिन की सुबह का नजारा कुछ ऐसा था। दिल्ली से चेन्नई के अपने 2200 किलोमीटर लंबे सफर को यह ट्रेन पूरा करती है 33 घंटों और अगले दिन 1 बजे हम आ पहुंचे नागपुर रेलवे स्टेशन। दिल्ली से चेन्नई के इस रास्ते में काफी मनमोहक दृश्य नजर आते हैं। ये नजारे देखते देखते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। दक्षिण भारत की ओर चलने वाली ज़्यादातर ट्रेनें अपने समय पर ही चलती, लेकिन आज ये ट्रेन करीब 2 से 2.5 घंटा लेट है और मेरी अगली ट्रेन भी इस वजह से छूट चुकी है। जहाँ उत्तर भारत में अभी जाड़ों का समय है, वहीं तमिलनाडु में इस समय बरसात का मौसम है। खेतों में धान की फसल और खेतों के चारों ओर आपको नारियल के पेड़ दिखेंगे। धीरे धीरे ट्रेन चेन्नई की ओर बढ़ती जा रही है और मेरे आगे के सफर की चिंता भी बढ़ती जा रही है। अंततः हम आ पहुंचे हैं चेन्नई के मेन रेलवे स्टेशन, जिसका नाम है MG रामचंद्रन रेलवे स्टेशन। ट्रेन से उतरते ही मैं निकल पड़ा मेट्रो स्टेशन की ओर, जो कि यहाँ से करीब 100 मीटर की दूरी पर है। नई दिल्ली की तरह ही चेन्नई रेलवे स्टेशन के पास में ही चेन्नई सेंट्रल मेट्रो स्टेशन है, जिसमें बैठने की सुविधाएं और सेंट्रल मेट्रो स्टेशन पार्क भी है। अपनी आगे की यात्रा के लिए मुझे CMBD कोयम्बेडू बस स्टेशन जाना है, जिसके लिए मैं मेट्रो का यूज कर रहा हूँ, जिसमें मुझे करीब 1/2 घंटा लगेगा। ये है चेन्नई मेट्रो का टिकट और अब मैं पहुंच चुका हूँ प्लेटफॉर्म पर। दिल्ली की तरह यहाँ की मेट्रो में ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। बज चुके हैं सुबह के 9:30 और हम पहुंच चुके हैं CMBD मेट्रो स्टेशन। इसी के जस्ट बगल में है CMBD बस टर्मिनल। CMBD बस टर्मिनल कॉम्प्लेक्स काफी बड़ा, साफ सुथरा और CCTV मॉनिटरिंग सिस्टम से लैस है। इस बस स्टेशन के अंदर ही आपको सभी टाइप की दुकानें मिल जाएंगी, सामने ही टिकट काउंटर भी। न्यू बस स्टैंड और ओल्ड? ओल्ड बस स्टैंड। हालांकि मुझे जाना तो न्यू बस स्टैंड था, लेकिन ये बस केवल ओल्ड बस स्टैंड तक ही जाएगी। उसके बाद रास्ते में रुक के मैंने लंच किया। शाम के 4 बज चुके हैं और मैं पहुंच गया हूं तंजावुर, और यहां सूर्यदेव काफी तेज चमक रहे हैं। और इस तरह 3 दिन की यात्रा के बाद मैं पहुंचा तंजावुर। धन्यवाद।